विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर कारखाने के आसपास के 5 गांवों के लोगों ने फैक्ट्री के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों ने फैक्ट्री को आवासीय क्षेत्र से बाहर करने की मांग की। ग्रामीणों ने अपने साथ 2 शव रखे थे जिनकी मौत गैस रिसाव की वजह से हुई है। इस दौरान पुलिस वालों ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वाले पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई। सूबे में कोविड 19 मरीजों की संख्या 1900 से ज्यादा हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 43 नए मामले सामने आए हैं। मंगलूर के मंगला अस्पताल के एमडी डॉक्टर गणपति की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने कोविड मरीजों का बेहतर उपचार और सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले नए उपकरण बनाए हैं। इसमें से एक बबल हेलमेट है जो रोगी के सिर को पूरी तरह से कवर करता है। इसे एक विशेष कॉलर के जरिए जोड़ा जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन गेटवे दूसरा उपकरण है जो एक बार में लोगों की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। चेन्नई में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों पर लाठियां बरसाई। दरअसल झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पुलिस ने सभी को शेल्टर होम में भेज दिया। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से प्रवासी भारतीयों को लेकर 2 प्लेन चेन्नई पहुंची। दोनों विमानों में एक में 179 यात्री और दूसरे में 177 यात्री मौजूद थे। सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर कोविड जांच की गई, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया। WHO ने कहा है कि चीन के शहर वुहान में एक थोक बाजार ने पिछले साल कोरोना वायरस के प्रकोप में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद चीनी अधिकारियों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनवरी में बाजार बंद कर दिया और वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। संस्था का मानना है कि कोरोना वायरस के बारे में पता करने के लिए वुहान के उस थोक बाजार में रिसर्च करने की जरूरत है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी प्रोफेसर विसेंट रेनियेलो ने CCTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार करने के अभी तक कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लैब में बना हुआ बताना महज एक आरोप है, जबकि इसके नेचुरल वायरस होने के कई सबूत हैं। इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के जेनेटिस्ट पीटर फोस्टर का मानना है कि कोविड 19 का पहला ह्यूमन इन्फेक्शन पिछले साल 13 सितंबर से 7 दिसंबर के बीच हुआ होगा। इस बारे में एक जर्नल प्रकाशित करते हुए फोस्टर ने कहा कि कोरोना चीन से ही फैला, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ्रांस में कोविड 19 का पहला केस पिछले साल 16 नवंबर को आया था, जबकि चीन ने दुनिया को इसके अगले महीने दिसंबर में कोविड 19 मामलों के पहले क्लस्टर की सूचना दी। स्पेन में कोरोना के मामले 2,22,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि अब तक कोरोना से 26,270 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी तो सड़कों पर लोग घूमने निकले और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते नजर आए। इस हफ्ते मैड्रिड शहर की 29 सड़कों पर पैदल आवाजाही की इजाजत दे दी जाएगी। वहीं कुछ पार्कों को शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया, लेकिन मशहूर एल रेटिरो पार्क सार्वजनिक रूप से बंद रहा। चीन में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मार सिनेमा इंडस्ट्री पर पड़ी है, इसलिए सरकार ने सिनेमा घरों को फिर से शुरू करने की तैयारी की है। सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करते हुए सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि सिनेमा घरों में क्षमता से कम लोगों को बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। चीन में 10,000 से ज्यादा थिएटर हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं।